हेलो दोस्तों, मैं शेख मिराज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम जो तो इम्प्लांट रिमूवल के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें जो है तो एक प्लेट और 6 स्क्रू जो है तो मेरे पैर में डाले गए थे। तो उसी को जो है तो मैंने पूरा निकाल लिया और निकालने को जो है तो पूरे 3 साल हो गए थे। 3 साल के बाद जो है तो मैंने निकाला। तो इसी बात को जो है तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। 29 मार्च 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को जो है तो एक ऑपरेशन हुआ जिसमें जो है तो ऊपर से रॉड डाले थे। ऊपर से रॉड डालने के बाद सही तरीके से जुड़ा नहीं। फिर 5 मई 2021 को दूसरा ऑपरेशन हुआ जिसमें एक प्लेट और 6 स्क्रू जो है तो डाले गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कोई भी इम्प्लांट चाहे रॉड हो या प्लेट हो कब हमें निकालना चाहिए। तो डॉक्टर जो है तो हमको 2 साल कहते हैं। फिर चाहे रॉड हो या प्लेट हो, डॉक्टर का कहना होता है कि कम से कम 2 साल आप रखो और 2 साल के बाद जो है तो आप उसको निकाल सकते हैं। देखो, बोन जो है तो हमारी बोन जो है तो 3 महीने के अंदर जो है तो जुड़ जाती है पूरी अच्छी। 3 से 4 महीने में एकदम पक्की जुड़ जाती जो हमारा जो है तो 100% वेट वज़न हमारा ले सकती है, इतनी जुड़ जाती। हमें ऐसा लगता है कि हम प्लेट या रॉड के ऊपर चल रहे हैं। तो प्लेट या रॉड के ऊपर हम चलते नहीं, या प्लेट या रॉड हमारा वज़न कुछ लेता नहीं, क्योंकि वो अगर वज़न लेता अगर पूरा तो वो तो टेढ़ा हो जाए। तो डॉक्टर हमको तभी चलाते जब हमारी बोन जो है तो पूरी तरह से जुड़ जाती, तभी चलाते, नहीं तो वैसा वो चलाते नहीं। तो जब हम चलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब हमारी बोन जुड़ गई है, और बोन हमारी 3 से 4 महीने में एकदम 100% बोन हमारी पूरी जुड़ जाती है। और उसके बाद 1 साल लगता है उसको रिमोल्डिंग के लिए, है ना, यानी एकदम फिनिशिंग आने के लिए, पहली जैसी बोन होने के लिए जो तो एक साल लग जाता। तो इसलिए डॉक्टर का कहना है कि अभी अभी एक सर्जरी हुई थी और दूसरी और ऑपरेशन करना या सर्जरी करना है तो 1 साल के अंदर ये ठीक नहीं है। कम से कम एक बार सर्जरी करें 2 साल, मतलब क्योंकि बहुत सारा खून बहता, बहुत सारी परेशानी होती, पैसा भी जाता। इसके लिए डॉक्टर जो है तो 2 साल तक के हमें रुकने के लिए कहते। हम हमारा रॉड या प्लेट जो है तो 2 साल के बाद निकाल सकते हैं। अगर किसी की अच्छी जुड़ गई है, अगर हमारे डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप 1 साल के बाद निकाल लो तो आप निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछ कर। क्योंकि मुझे तो मेरे डॉक्टर ने कहा था, दूसरे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि आप निकाल सकते, बोन जुड़ गई उसका कुछ भी काम नहीं। और सही बात है, बोन जुड़ने के बाद प्लेट का और रॉड का कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि हम उसके ऊपर चलते नहीं, हम हमारी बोन के ऊपर ही चलते हैं। और रॉड का या प्लेट का काम क्या होता है, बस बोन को जुड़ने तक हिलने नहीं देना, है ना, हिलने नहीं देना। अगर हमारी बोन हिलेंगी नहीं तो जल्दी से जुड़ जाएंगी। तो रॉड और प्लेट क्या करते, बस बोन को हिलने नहीं देते, उसको पकड़ कर रखते हैं, और इस कारण जो है तो बोन हमारी जुड़ जाती है। तो 2 साल के बाद हम निकाल सकते हैं, और 2 साल के बाद ही निकालने होना। ज़्यादा आप रखोगे, जितना ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ भी होगी, और डॉक्टर जो तो निकालने से भी मना करते, क्योंकि उस पर जो तो मांस आ जाता, ज़्यादा नसें आ जाती, या फिर कभी कभी होता है स्क्रू अंदर ख़राब हो जाते, धस जाते, बोन ऊपर से पकड़ लेती और फिर वो निकलते नहीं, और हड्डी को तोड़ कर तो जो तो निकाल नहीं सकते हम। 2 साल के बाद रॉड प्लेट निकाल सकते और निकाल लेना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका इन्फेक्शन हुआ, नी बेंडिंग का प्रॉब्लम आ गया, तो वो लेट भी कर सकते। जो जिनका इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है या नी बेंडिंग का प्रॉब्लम है, वो जो है तो पूरा अच्छा होने तक रुक सकते। अब बात करेंगे हम कि प्लेट और रॉड ये जो है तो ज़्यादा दिन रहने से हमें दर्द या नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, अगर हम उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो प्लेट, स्क्रू या रॉड ये जो तो हमें दर्द भी करते और नुकसान भी पहुँचाते, और फिर बाद में जब हम निकालने को जाते हैं तो वो निकलते भी नहीं, डॉक्टर भी जो तो मना कर देते। और मेरी अगर बात करें तो 3 साल हो गए थे, लेकिन मुझे 2 साल तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, भागने में तकलीफ होती थी क्योंकि स्क्रू जो है तो चुभते थे। प्लेट का नहीं हुआ कुछ ऐसा, लेकिन अब ऐसा लगता था प्लेट जो है तो अटक रही है, कहीं गूंथ रही है, तो दर्द करती थी अचानक उठते बैठते चलते समय, फास्ट चलते समय। और मुझे जो है तो दौड़ते तो आता भी नहीं था प्लेट के कारण, तो इस कारण मैंने निकाल दिया। तो ज़्यादा दिन रखने से नुकसान ही है हमारा, क्योंकि वो दर्द भी करती और फिर जब निकालने को जाती तो निकलती भी नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम जो तो निकालेंगे वो निकल भी जाएंगी, लेकिन जो तो 90% जो है तो निकल सकती और 10% ऐसा चांस है कि वो निकल भी नहीं सकती। हमें स्क्रू वगैरह अगर नहीं निकले तो वहीं छोड़ देना पड़ेंगे, क्योंकि हम बोन को तोड़ नहीं सकते। उसके बाद खर्चा कितना आता है, तो खर्चे की अगर बात करें तो प्राइवेट में अगर जाएंगे हम 30 से 40 हज़ार में हमारा ही खर्चा हो जाता, रॉड या प्लेट जो तो रिमूवल का काम हो जाता 30-40 हज़ार में हो जाता। लगभग 30 हज़ार तो जिसको लग ही जाते, क्योंकि इसमें प्लेट के या रॉड का खर्चा नहीं होता, डॉक्टर की फीस और मेडिकल वगैरह।
तो मुझे भी 20,000 रुपये खर्चा आया इसका, पहचान की डॉक्टर थी इसलिए, लेकिन 30-40 हज़ार तक इसका खर्चा आता है। और चौथा सवाल हमारा कि प्लेट या रॉड रिमूवल कराने के बाद हम कितने दिन के बाद चल सकते हैं। देखो, प्लेट अगर निकालेंगी तो जितनी प्लेट हमारी लंबी होंगी उतना बड़ा चीरा लगता है। मेरा भी अगर आप देख सकते, जितना पहले ऑपरेशन हुआ था सेम उतनी ही बार जो अभी उतना ही चीरा लगाया गया, क्योंकि प्लेट निकालने के लिए उतना ही चीरा लगाना पड़ता और इतना लंबा यानी 18 से 20 टाँके है पूरे, और इतना बड़ा चीरा लगने के बाद हम मुझे ऐसा लगा था कि मैं जल्दी चलूँगा, लेकिन डॉक्टर ने जो तो चलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि टाँके सूखने तक आप जो है तो बस टॉयलेट बाथरूम जा सकते, ज़रूरत पड़ता आप बाहर चलेंगे नहीं, ज़्यादा जाएंगे भी नहीं, क्योंकि टाँके सूखने तक, क्योंकि बहुत बड़ा चीरा होता है इसलिए हम ज़्यादा चल नहीं सकते। तो लगभग 15 से 20 दिन हमें बेड रेस्ट करना पड़ता, आराम करना पड़ता है ना। शुरुआती 2-3 दिन जो है तो हमें जगह पर ही, सब शुरुआत के 2-3 दिन जगह पर ही, और उसके बाद जो है तो हम घर के घर में टॉयलेट बाथरूम को जा सकते। कब तक? टाँके सूखने तक, और टाँके सूखने के बाद जो है तो आप चल सकते। इसके बाद का हमारा सवाल क्या, प्लेट और रॉड निकालने के बाद हमारी हड्डी पहले जैसी मजबूत रहती क्या? तो मैंने इसका जवाब पहले ही दिया कि हमारी हड्डी जो है तो, या जो हम चलते दौड़ते, तो ये हम प्लेट के ऊपर या रॉड के ऊपर नहीं चलते, हमारी बोन के ऊपर चलते हम। प्लेट या रॉड इतना वज़न नहीं ले सकती कि जो टूट जाएंगी। प्लेट और रॉड का काम है बस हड्डी को पकड़ कर रखना जुड़ने तक, जुड़ गई तो उसमें उसके बाद प्लेट और रॉड का कुछ भी काम नहीं। तो प्लेट और रॉड निकालने के बाद आप जो तो चल सकते, दौड़ सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा है ना, टाँके वगैरह अच्छे सूख गए, जख्म पूरी अच्छी हो गई, उसके बाद जो तो आप हर काम कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन में दर्द कितना होता है? तो दर्द की बात तो सेम उतना ही है जितना पहला ऑपरेशन हुआ था हमारा, उतना ही इसमें दर्द होता है, क्योंकि उतना ही चीरा इसमें लगाया गया था। हड्डी के साथ भी जो छेड़खानी होती है, क्योंकि पहले जो तो ड्रिल मशीन से होल किए गए थे और अब जो है तो मशीन के से जो तो स्क्रू बाहर निकाले जाते, तो पहले दिन जो तो बहुत परेशानी होती है, मेरी भी हुई है ना। कमर में जो एनेस्थिया का इंजेक्शन देते वो तो काफ़ी दर्द कर रहा था। उसके बाद दूसरे दिन जो तो 2 दिन लगभग मेरा सर दर्द हो रहा था मुझे, वो इस बार बहुत हुआ। मुझे डाउट है कि डॉक्टर कहते हैं पहले दिन जब हमारा ऑपरेशन होता है उस दिन जो तो डॉक्टर सर ऊपर करने के लिए नहीं कहते, और मुझे जो तो दर्द हुआ तो इस कारण मैं तो उठ कर बैठ जाता था, इस कारण 2 दिन मेरा सर भी तो बहुत दर्द कर रहा था। तो दर्द जो तो पहले जितना ही है, लेकिन ये 1-2 दिन ही दर्द रहता बस, 1-2। तो जिसका जो जिसके 2 साल पूरे हो गए, डॉक्टर ने कहा होगा कि निकाल लो, जल्दी निकालने में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो निकालना है, तो दर्द सहकर क्यों निकालना है। तो वो जल्दी से अगर निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, किसकी प्रॉब्लम है तो वो रुक सकता। बहुत सारे दोस्तों का भी कहना है कि आ सर आप जो तो वीडियो बनाते नहीं, वीडियो बनाओ। तो वीडियो बनाने के लिए जो तो हमारे जो टॉपिक थे वो पूरे लगभग ख़त्म हो गए, उस पर मैंने बनाया सब पर वीडियो है, हर बात पर एक एक वीडियो जो तो बारीकी से मैंने बताया है, उसी बातों को जो तो बार बार वीडियो बनाकर जो तो मैं ठीक नहीं लगता। लेकिन जो भी आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम लाइव आकर जो है तो उन सवालों के जवाब या बातचीत कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में जो तो ये बात करनी थी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।